सभी को प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और फिर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पास्टर तलवापा सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये समय मुझे वचन बांटने को दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए बाइबल से एक वचन देखें। यहाँ सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्स 9, दूसरा कोरिंथियों अध्याय 12 पद 9 में लिखा है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। इसीलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ, ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे। यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम सभी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ कि आपके आशीष के कारण हम आज का ये दिन देख पाएँ, ये वचन हम सुन पाएँ। इस समय हम सभी अपने घरों से, जितने बड़े हैं बच्चे हैं, आपकी उपासना में हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं। हम सभी के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन रहे। सभी को आपके हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमेन। तो यहाँ हम वचन में देखते हैं कि पौलुस जो है, जो परमेश्वर का एक दास था, जो बहुत कष्ट था उसके जीवन में, बहुत सारा कठिनाई मुश्किल था, लोगों का जो ताड़ना होता है, जो प्रोसिक्यूशन होते हैं, वो झेलता था। बहुत कठिनाई, बहुत मुश्किल से हर दिन गुजरता था। और उसके ऊपर से उसका जो बीमारी एक था, और ऐसा होता है कि बीच बीच में उसको जेल में भी डाला जाता था। तो उसका लाइफ जो है, उसका जीवन जो है, बहुत मुश्किल से वो परमेश्वर का नाम से, परमेश्वर के लिए वो मुश्किल से काट रहा था। तो उस समय सच में परमेश्वर ने उससे कहा, अभी जो वर्स हम लोग पढ़ा है ना, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9, इसमें बोला है कि परमेश्वर जो उसको हौसला देते हुए बोला कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि निर्बलता में मेरी शक्ति सबसे अधिक होगी, ऐसा बोला। तो इसी में पौलुस जो खुश होके, प्रसन्न होके वो कहता है कि वो अपना निर्बलता में, अपना वीकनेस में भी वो आनंद लेगा और गर्व करेगा, क्योंकि वो वीकनेस को ही परमेश्वर जो है उसका शक्ति बनाता है, ऐसा बोला। तो आज हमारा जीवन में भी अनेक तरह का मुश्किलें आता है, बीमारी, गरीबी, तकलीफ, जो परीक्षा, टेम्पटेशन जो है आता है। इसलिए आज हम सभी जिन्होंने प्रभु में विश्वास किया है, आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा प्रभु जो उसने पौल से कहा था, वही बात आज हमको करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हर एक कठिनाई में प्रभु कहता है कि उसका अनुग्रह काफ़ी है। हर एक मुश्किल में प्रभु कहता है कि उसका अनुग्रह काफ़ी है। हमारी निर्बलता में उसकी शक्ति उत्तम होती है। हम लोग वीकनेस में परमेश्वर का जो शक्ति है वो परफेक्ट होता है। इसीलिए आइए सिर्फ परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रखते हैं। दुख के समय में, जो दुख में है वो ये ना सोचे कि क्या परमेश्वर ने भूल गया है क्या, ये कभी मत सोचे, क्योंकि परमेश्वर उसका योजना के अनुसार, उसके समय अनुसार हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर अपने दया के अनुसार हमें बहुत आशीष देता है, इसलिए हमें परमेश्वर पे ही भरोसा रखना चाहिए। जब बीमार के समय में ये कभी मत सोचे कि ये बीमारी ख़त्म क्यों नहीं होती है, क्या परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करता है क्या, ये मत सोचे, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वो हमारी देखभाल करता है और हमारे कमज़ोरी में, हमारे निर्बलता में परमेश्वर का शक्ति जो है सबसे अधिक होगा, और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहरा परमेश्वर नहीं है। हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी ज़रूरतें वो पूरा करता है। इसी वचन के द्वारा उसने पौलुस को और आप में, हम सभी को दिलासा दिया है और हमारा हौसला अफजाई किया है परमेश्वर ने, कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो आइए हम दूसरा वचन देखते हैं, जो परिस्थिति अभी बोला था उसी में हम दूसरा वचन देखते हैं। पहला तिसलोनियो अध्याय 5 पद 17 और 18, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 17 टू 18,
प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। यहाँ बोला है कि प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो बहुत खूबसूरती से ये वचन हमें बताती है कि आज के इस समय में जब ये पूरा संसार जो है महामारी से हमें जूझ रहा है अभी, तो ये बीमारी में या फिर अलग अलग हम लोग का जो कठिन परिस्थिति हम लोग का जीवन में जब आता है, हम लोग का लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस जब आता है, तो हम लोग जो है परमेश्वर को धन्यवाद कहना तक हम लोग भूल जाते हैं। पर बाइबल आज हमें यहाँ पे पहला तिसलोनियों अध्याय 5:17-18 में बोलते हैं कि हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करो, निरंतर प्रार्थना करो, ऐसा बोला। तो आज हमें परमेश्वर पर निरंतर भरोसा और निरंतर प्रार्थना में हमें अपना समय बिताना है परमेश्वर के साथ। तो पुराना नियम में जब हम देखता है कि कैसे मिस्र देश के वासियों ने, फराओ ने इसराइलियों को दास बनाकर बहुत कष्ट दिया था, बहुत मुश्किल से काम कराया, बहुत ख़राब व्यवहार उन लोगों पर करता था, तो उस दौरान परमेश्वर ने मूसा को चुनकर उन लोगों का मार्गदर्शक बनाया, लीडर बनाया, जो इसराइल के लोगों को मिस्र के जो बंधन में बंधे हुए थे उसे रिहा करके ले जाने के लिए। तो ये कहानी हम लोग को सबको मालूम है। तो जब मिस्र में से, इजिप्ट में से जब निकल के वो लोग निकले थे तो बहुत खुश हुए, और परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए, जो वचन करके जो एक देश रखा हुआ था वहाँ ले जाना था उन लोग को वहाँ से चुराया। सभी लोग बहुत खुश आनंद के साथ वहाँ से नाच गा के निकले ना, आप लोग ने बाइबल में देखा है, तो नाच गा के निकले तो वहाँ पे बहुत खुश थे। लेकिन ऐसा हुआ, रास्ता में चलते चलते जो उन लोग सफ़र तय करना था, प्रॉमिस लैंड तक पहुँचने का जो सफ़र तय करना था, बीच में उन लोगों ने फिर परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू किया। मोसेस को उन लोग ठुकराने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सफ़र का दौरान बीच में रेगिस्तान में जब उन लोग था, तो उन लोगों को क्या हुआ कि अपना पसंद का खाना खाने को नहीं मिलने पर उन लोग ने परमेश्वर की निंदा की। शुरुआत में जो उन लोग को ये बंधन से जो आज़ाद किया करके, जो रिहा किया करके, जो खुश था, जो आनंद था, उसे भूलकर जहाँ पे सच में परमेश्वर का प्रशंसा करना चाहिए उन लोगों को, वहाँ पे जाके उल्टा उन लोगों ने परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर को नकारा। उसके ऊपर सभी जो इसराइल के लोगों ने सोना चांदी से मूर्ति बनाकर, गाय की जो मूर्ति बनी थी मूर्ति बनाकर उसका पूजा करने लगा, और जीवित परमेश्वर को नकार के बचाने वाले, चुराने वाले की निंदा करके उन लोगों ने मूर्ति पूजा तक उन लोगों ने किया। तो ऐसा होने के वजह से चुराए गए लोगों में से सिर्फ कुछ ही वचन वाले देश तक, प्रॉमिस लैंड तक अपना पांव रख पाए, जबकि हम लोगों को पता है कि मूसा भी नहीं जा पाया वहां तक गलती करने की वजह से। इसी तरह आज हमारे जीवन में सभी कामकाजों का रुकावट बनकर यह पेंडेमिक जो है, महामारी जो आया हुआ है, लेकिन इस समय हमें ये याद करना है कि हमारा जीवन जो पाप से हम लोग भरा हुआ था, कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह आया और उसने हमें बचाया, अपना जान का बलिदान देके हम सभी को उद्धार दिया, हमें शैतान के बंधन से बचाकर आज वो हमें स्वर्ग में ले चलने के लिए, ये जो हमारा ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें हमें ले चल रहा है। लेकिन जैसे इसराइल को बचाया था उसी तरह उसने आज हमें बचाया है। तो इस समय में, इस कठिन समय में सचमुच हमें परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें बचाया है शैतान के बंधन से, पाप से मुक्ति दिया है, क्षमा दिया है। इस समय में हम लोग इसराइल की तरह हम लोग परमेश्वर को नहीं नकारना है, परमेश्वर को निंदा नहीं करना है। इस सफ़र में हमें परमेश्वर के प्रेम को ना भूलकर आनंद से उसका महिमा करके सफ़र तय करना है, ताकि हम लोग जो है प्रॉमिस लैंड का अभी स्वर्ग में हम लोग पहुँच पाए। यहाँ हम लोग संसार में अपना नाम ऊंचा उठाने के लिए हम लोग प्रभु का नाम को भूल जाते हैं, एक दूसरे को नफरत, जलन, दुश्मनी का वजह से संसार में हम लोग खुशी नहीं देख पाता है। इसीलिए आज आइए हम लोग सभी लोग अपने अपने आप को परखें और जांचें, और हम लोग आत्मा में परिपक्व बने, आत्मा में हम लोग मैच्योर बने, कि हमारे पापों के कारण आज जो हम दुख झेलते हैं उसे हम लोग परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर से क्षमा मांगें। और बाइबल के अनुसार आइए आज से निरंतर प्रार्थना करें,
हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है शैतान से और पापों से, क्षमा किया है ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज पहुंच सकें। आ जाइए हम निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। जैसे शुरू में कहा था कि जो परमेश्वर में भरोसा रखता है, आशा रखता है, वो वही उसकी महिमा देखता है। तो आइए हम लोग जो अभी हम लोग परमेश्वर के साथ एक जर्नी में है, एक सफ़र में है कि हम लोग स्वर्ग को जा रहा है, तो हम लोग निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करें, निरंतर उस पर भरोसा रखें। हर एक कमजोरी में याद रखें कि मेरा कमजोरी का द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है ताकि हम सभी लोग एक दिन स्वर्ग राज्य को देख पाए। तो आज का वचन यहीं तक होगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। धन्यवाद।